हमारे फेवरेट टीवी सितारों को हम पर्दे पर देखकर कितने खुश होते हैं पता है, लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी हमें कब महसूस होती है, जब हम उनके असल जीवन में उनके साथ घूमते हैं, उनके संग एक्चुअली प्रॉपरली जान पहचान करते हैं। और ये होता है कब, कैसे, सिंपल, अरे ये होता है सास बहू और बेटियां में, जब हम बिताते हैं उनके साथ एक पूरा दिन और करते हैं एक डे आउट और बिताते हैं कुछ बड़े ही मजेदार पल, राइट? विद्या और विवेक बना रहे हैं गणपति। घूम रहे हैं मुंबई। कर रहे हवाओं से बातें समुंदर किनारे। देख रहे हैं नए सपने। भाई पूरे देश में आ गया है त्योहारों का मौसम और मुंबई में खास छठा होती है गणेश चतुर्थी की। और गणेश चतुर्थी के इसी सेलिब्रेशन को देखने देखिए सीधा उत्तर प्रदेश से पहुंच गए हैं विद्या और विवेक। पहचाना ही नहीं, ये है आपकी चकोर जो बन गई है विद्या। जहां कलर्स चैनल पर एक नया सीरियल आ रहा है जिसका नाम है विद्या और उसमें मीरा देवस्थले बनेगी विद्या और इनके हीरो है नमिश तनेजा, जिन्हें आप पहले स्वरागिनी में देख चुके हैं, लेकिन अब दोनों बना रहे हैं एक नई जोड़ी क्योंकि ये किरदार है उत्तर प्रदेश का। लेकिन मुंबई में गणेश चतुर्थी का रंग इन पर ऐसा चढ़ा है कि गणपति बप्पा की जय जयकार कर रहे हैं, सजा रहे हैं गणपति बप्पा की मूर्ति और देख रहे हैं मुंबई में गणपति बप्पा की छटा। पर इसी के साथ मुंबई के खास नजारों का ये आनंद उठा रहे हैं, फिर चाहे वो यहाँ का सी लिंक हो, यहाँ का बीच हो या फिर हो यहाँ की भागम भाग। पर यही तो मुंबई की स्पिरिट है और गणेश उत्सव में तो मुंबई देखने लायक बनता है। तो आज विद्या और विवेक के साथ हम मुंबई को एक नए अंदाज पे देखेंगे। तो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, सीधा चलते हैं विद्या यानी मीरा देवस्थले के पास। आप सब ने अब तक मुझे चकोर की तरह देखा, चकोर की तरह जाना और चकोर को बहुत सारा प्यार दिया, पर अब मैं कुछ अलग करने जा रही हूँ। अब मैं विद्या की तरह आप सबके सामने आऊँगी, कुछ बहुत अलग, कुछ बहुत नया, एंड आई एम श्योर आप सब बहुत इन्जॉय करेंगे जैसा कि आप सब ने प्रोमोज में देखा होगा। सास बहू और बेटिया के साथ आज मेरा पूरा दिन है, जहाँ पे वो हमें फॉलो करेंगे, हम कहाँ से कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं पूरे दिन में, जो ढलने जा रही हैं अपने किरदार विद्या के रूप में। आज आप लोग देखेंगे कि विद्या कैसे तैयार होती है, मीरा से विद्या मैं कैसे बनती हूँ और क्या क्या करती हूँ। चकोर से बहुत अलग है तो आप लोगों को ये सब जानने में बहुत मजा आएगा आई गेस। भाई मीरा से विद्या बनने के लिए मीरा देवस्थले का खास मेकअप होता है। वैसे तो रियल लाइफ में मीरा गुजराती है लेकिन पर्दे पर एक उत्तर प्रदेश की लड़की विद्या का किरदार निभा रही है। देखते हैं उनका मेकअप कैसे होता है, सिंपल एलिगेंट। सबसे खास होता है उनका हेयर स्टाइल क्योंकि इनकी एक चोटी है। देखिए मेकअप हो गया, हेयर स्टाइल हो गया, लेकिन गेटअप आता है साड़ी के साथ। जी हाँ, विद्या एक टीचर है इसलिए साड़ी उनके कैरेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साड़ी मैं पहले भी पहन चुकी हूँ, आज फिर से हम यही साड़ी पहन रहे हैं, बहुत सुंदर साड़ी है तो मुझे बहुत पसंद है। हम लोग ये पहनने वाले हैं और फिर मैं फटाफट आपको मिलती हूँ। साड़ी वाड़ी पहनकर विद्या तैयार है और इनका स्वैगर तो देखिए, भाई स्वैग से स्वागत कीजिए विद्या का। मैं अब बन चुकी हूँ विद्या, बस थोड़ा सा फिनिशिंग टच बाकी है। विद्या वाली ज्वेलरी पहननी है मुझे, दुर्गा मैया वाला लॉकेट पहनना है और बिंदी लगानी है, तो हम फटाफट से वो करते हैं। भाई विद्या तैयार है लेकिन इनके हीरो विवेक कहाँ हैं, तो चलते हैं उनके कमरे में। हेलो, सरप्राइज सरप्राइज, रिश्ते में तो हम तुम्हारे हीरो लगते हैं। हीरो लगते हैं। कम 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 अंदर आओ, गृह प्रवेश करो। ये जोड़ी अभी तक आई नहीं है, अभी तक हमारा फर्स्ट इंटरव्यू मतलब साथ में। हमारे जो फैंस हैं उन्होंने पेजेस बना लिए, पेजेस बन गए विवेक। हां और क्या वो हमारे नाम वाले जो विवेक है, बहुत सारी एडिट्स भी की हैं उन्होंने।
काफी ब्यूटीफुल है, जो काफी अच्छे, पता ही नहीं चलता कि कहां से किसको उठा के मॉर्फ किया है। यस, हम और सब लोग देखते रहे, अच्छा ये कब हुआ, ऐसे होता है। भाई विवेक को विद्या आज पूरा दिन सास बहू बेटिया के साथ बिताने वाले हैं। सास बहू और बेटिया के साथ आज हम दोनों पूरा दिन बिताने वाले हैं। विद्या और विवेक, विद्या और विवेक। इसलिए जरा बातों में वक्त जाया नहीं करते हैं, सीधा सवार होते हैं गाड़ी में और शुरू करते हैं मुंबई दर्शन। मुंबई दर्शन नंबर वन। भाई सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ के गणेश उत्सव की छटा देखने। भाई हर तरफ सड़कों पर तरह तरह के पंडाल लगे हुए हैं, जहाँ पर तरह तरह की मूर्तियाँ सज गई हैं, जिन्हें लोग अपने घर में और सोसाइटीज अपने पंडाल में लेके जाएंगी। और ऐसे ही एक मूर्ति चित्रशाला में विवेक और विद्या पहुँचे। यूपी से आए विवेक और विद्या, अब हम जब मुंबई आए हैं तो मुंबई में गणपति बहुत महोत्सव है, बहुत फेमस है, तो हमने सोचा कि क्यों ना देखा जाए यहाँ पे कैसे होता है, क्या होता है। तो अभी हम आए यहाँ पे, गणपति जी की मूर्तियाँ बनती है, लेट्स सी, देखते हैं कैसे गणपति बनते हैं। यहाँ पर इन दोनों ने एक मूर्ति को चुना और उसको एक अपना रंग दिया। बेसिकली ये मूर्ति हमने नहीं बनाई है, बट हाँ कोशिश की है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा गोल किया, यहाँ पे थोड़ा सा गोल किया, और यहाँ मैंने किया थोड़ा सा, और इसके बाद वो कप पकड़ के रखा जिसके अंदर कलर है। इसके बाद मैं और नमिश मिलके पूरे गणपति बनाएंगे, ऐसा हमने सोचा है। और हम सोच रहे हैं कि एज अ नमिश तो मैं अपने घर पे रखता हूँ गणपति, बट एज अ विवेक हम यूपी में भी ये सब ट्रेंड्स स्टार्ट करेंगे। यस यस, टोटली मूर्तियाँ लेके जाएंगे और वहाँ पे जाके मुंबई से मूर्तियाँ लेके मां स्थापना करेंगे और फिर हम गणेश चतुर्थी मनाएंगे। यस, गणपति बप्पा मोरिया, अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखे, आपके घर आए, आपके घर बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। जिन दिनों गणपति बप्पा आएंगे उन्हीं दिनों हमारा शो आएगा, लॉन्च होगा हमारा शो 9th को, और हम गणपति बप्पा के ब्लेसिंग्स के साथ ये शो शुरू करेंगे। यहाँ पे बहुत बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं, अगर आप देखेंगे बहुत सुंदर है ये, हमने मैंने यूपी में ऐसा नहीं देखा कहीं, है ना, ये मुंबई में ही होता है ज्यादातर। मुंबई में गणेश चतुर्थी बहुत अच्छे से मनाई जाती है, बड़े लेवल पे मनाई जाती है, तो हम विवेक से डांस कराएंगे विसर्जन के दिन। हाँ विसर्जन पे ना, देखिए छोटे छोटे यहाँ पे हर साइज की मूर्ति। आई थिंक हमें यूपी में भी ये ट्रेंड शुरू करना चाहिए, है ना अपने अपने घर पे, अपने गांव में आजमगढ़ में हम भी गणपति लाएंगे अपने घर पे और स्थापना करेंगे, फिर विसर्जन करेंगे। यस, और ढोल बजाएंगे और विवेक नाचेगा। यस, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। पर यहाँ पर जो चित्रकार जी हैं वो बहुत अच्छे संगीतकार भी हैं, बिल्कुल रेनू मॉडल की तरह। जरा इनका गाना तो सुनिए। बड़ी है दर्शन की, बिन मांगे पूरी हो जाए, जो भी इच्छाओ मन की प्रभु, जो भी इच्छाओ मन की हो, जो भी इच्छाओ मन की। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, देवा उदेवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन स्वामी, तुमसे बढ़कर कौन। अरे वेरी नाइस, क्या क्या, मैं सिंगर भी हूँ, कभी चांस भी दे मेरे को। ये इन लोगों ने देख लिया है, ये लोग आएंगे यहाँ पे आपके पंडाल पे, आपको लेके जाएंगे। देखो आजकल तो देखेंगे अभी, जिसका मुंह, बहुत सारी चीजें फेमस हो रही है, अगर आपका कुछ मन है, दिली इच्छा है, तो आज आप पूरी कर सकते हो। मैं खाली मुझे किधर गाने में जरा चांस दिला दो, थोड़ा आवाज का पड़ेगा फिर इसी बात पे। तो जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, ओ घड़ी आ गई आज प्यार में अद से गुजर जाना है, मार देना है तुझको या मर जाना है, पास नहीं आना भूल नहीं जाना, तुमको सौगंध है कि आज मोहब्बत बंद है, पास नहीं आना भूल नहीं जान, तुमको सौगंध है कि आज मोहब्बत बंद है, कह दूँ तुम्हें या चुप रहूँ,
दिल में मेरे आज क्या है, जो बोलो तो जानू, गुरु तुमको मानू, चलो ये भी वादा है। ओ मेरी शर्मिली, ओ मेरी शर्मिली, आओ ना तरसाओ ना। इस सिंगर में गाने का आपके इनके गाने को जितना हो सके आप प्रमोट कीजिए। जैसे अभी आपको पता है एक वीडियो सोशल मीडिया सेंसेशन है, एक रानू मोंडाल जी फेमस हुई हैं, हिमेश रेशमिया जी ने उनका साथ दिया, वैसे इनका भी साथ दीजिए प्लीज। और क्या मालूम है मेरे के एक तो चलो ये गणपति में मंडप से मुझे अगर कहीं किधर अच्छा मिल जाए तो अच्छा है। मैं तो कितना जन मेरे को बोले तुम नाम लिखो, मौर्या मौर्या, एक दो तीन चार, गणपति का जय जयकार। लगता है इन चित्रकार जी को जल्दी किसी रियलिटी शो में लॉन्च करना पड़ेगा क्योंकि ये इतना अच्छा जो गाते हैं। खैर बप्पा के गाने तो सुन लिए, अब चलते हैं मुंबई दर्शन नंबर 2। भाई मुंबई की शान है हमारा ये खूबसूरत सा सीलिंग, भाई जब भी आप इसे क्रॉस करें तो यहाँ का नजारा देखने लायक होता है। मुंबई में और मुंबई में सीलिंग है, बहुत ब्यूटीफुल है, तुम्हें कैसा लगता है मीरा? मीरा को बहुत अच्छा लगता है। विद्या पहली बार देख रही है, विद्या ने इतनी बड़ी इतना बड़ा शहर कभी नहीं देखा, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग, इतना सारा पानी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है तुम्हें ऐसे हमारा इंडिया में, हमने पूरी लंदन वाली फील दी है, तो कैसा लग रहा है तुम्हें? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है अब विवेक मुझे सीलिंग पे घुमाने भी लेके जाएगा। अब बारी है चलने की मुंबई के चौपाटी पर। जी हाँ यहाँ पर समुन्द्र किनारे बहुत मजा आता है और विद्या और विवेक भी समुन्द्र की इस यात्रा का मजा उठा रहे हैं। हम मुंबई घूमने आए तो विद्या को ये भी दिखाया जाए। विवेक मुझे इतनी भरी धूप में घुमाने लेके आए क्या इतनी धूप में, टाइम कम है तो ये सब करना पड़ेगा। आओ विद्या यहाँ बैठो। विद्या और विवेक ने एक दूसरे का हाथ थामा और अपने नए सीरियल की डगर पर निकल पड़े। भाई ने गणपति बप्पा का आशीर्वाद जो मिल गया है और मुंबई की भागम भाग इन्होंने देख ली, तो मीरा और नमिश तनेजा को उनके आने वाले सीरियल विद्या के लिए ऑल द बेस्ट। तो इसी के साथ हमारा सफर खत्म होता है सास बहू और बेटियां के साथ। थैंक यू सास बहू और बेटियां हमें मुंबई लेकर आने के लिए, थैंक यू विवेक, थैंक यू हमें गणपति बप्पा के दर्शन कराने के लिए, यहाँ लाने के लिए और मुंबई घुमाने के लिए और पूरा दिन हमारे साथ रहने के लिए, थैंक यू। विद्या और विवेक के साथ इस डे आउट में हमने गणेश उत्सव के रंग आपके समेट कर दिखाए। मुंबई से श्रुति बरजात्या के साथ आज तक ब्यूरो।